मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं सदा सच बोलूंगा, मैं निर्भय बनूंगा तथा धर्म के रास्ते पर चलूंगा। मैं देश की जनता की सेवा संविधान सम्मत कानून के अनुसार करूंगा। मैं पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों का सम्मान करूंगा एवं उनके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। समर, यहां क्या कर रहे हो तुम? ए समर, पिस्तौल नीचे रख दो। तिवारी जिसको बोलिए जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, हमारी बात मान लो समर, पिस्तौल दे दो हमको। देखो समर, समर मेरे बात मानो, पिस्तौल मुझे दे दो समर, ये पिस्तौल मुझे दे दो। देखो समर, मेरी बात मानो। आप में से किसी को भी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? आप में से किसी को भी यह लगता है कि उसने हमसे ज्यादा कानून का पालन किया है? तो बेशक हमको गोली मार सकता है। क्योंकि अब हम नहीं पलटने वाले। आपसे कह रहा हूं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। सुनो, बहुत शांति रखिए, किसी को नहीं मारा है, बैठ जाइए। देश के सामने नहीं है, चुप रहिए। जेंट हमारा दूसरा नंबर का दूसरा नंबर का दूसरा नहीं ना, तो कुछ कह रहे तो उसको बोलो, उसको We'll be right back.
लेना देना नहीं है। देख क्या रहे हो? हम इसको लेने आए हैं। छोड़ो समर, छोड़ो। हम इसको लेने आए हुए हैं। नीचे आती है। घबराइए मत, हमें आपसे बात करनी है। हम इसको लेने आए हैं, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या करें, क्या करें? पर इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। माफी मांगते हैं आप लोगों से। अरे कहां गलती थी हमारी? बताइए क्या गलती थी? यही कि हम न्याय का साथ दिए, ये कि हम हमारे संविधान में विश्वास किए? अरे आप ही लोगों ने तो कहा था ना कि इस वर्दी के लिए घर परिवार सबका बलिदान करना पड़ता है, सच्चाई के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम किए ना? आपने कहा कि सारा सुख, सब खुशी, सब कुछ ताक पे रखना पड़ता है। हमने सब कुछ ताक पे रखा, यहां तक कि हंसना हम भूल गए। तो क्या हम गलत थे? हम गलत थे? या जो आपने कहा था वो बस यूं ही था? मजाक किया गया था क्या हमारे साथ? या जो आपने कहा था सब गलत था? अगर जो आपने कहा था सही था तो हमारी समझ में नहीं आता है कि हरामी बच्चू यादव जैसा राक्षस आपके बीच में क्या कर रहा है। क्योंकि हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप इस घटिया आदमी के घटियापन से वाकिफ नहीं हैं। हो सकता है कि हम गलत हो, माफ कीजिए, माफ कीजिएगा अगर हम गलत हैं तो। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि इस हरामी को समझने में हमसे कोई गलती नहीं हुई है। जाने कौन सा दानव पनप रहा है यहां, कुछ खतरनाक हो रहा है यहां पर। आप लोग अंधे हैं अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो। अंधे हैं आप लोग, और यही एक सच साला सूल की तरह हमको अंदर तक भेदा हुआ है। इतना अंदर कि हमारा जिस्म खून से खाली हो गया है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं बचा है, हम कुछ नहीं है। आप नेता हैं, आप लोग नेता हैं। जो लोग बाहर हैं वो लोग आपसे बहुत आशा करते हैं। हम विनती करते हैं कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। सुनते हैं आप? कुछ कीजिए। जिस कुर्सी के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं वो साला कुर्सी लकड़ी का है। हम हार मास के इंसान हैं। आप लोग झांकिए अपने अंदर, झांकिए अपने अंदर। हटाइए इस शैतान को अपने अंदर से, इस समाज से, नहीं तो यह पवित्र जगह नरक हो जाएगा और ये बच्चू यादव जैसा लीचर बार बार पैदा होगा और हमारे जैसा चूतिया। John! And! John!